वक्त की बड़ी खबर है बदायूं से, जो आधा दर्जन बदमाशों ने लूट के दौरान गृह स्वामी की पीटकर की हत्या। लूट का विरोध करने पर युवक की पिटाई से हुई मौत, नकदी और जेवर साथ ले गए बदमाश। घर पर पत्नी और दो बच्चों के साथ सो रहा था मृतक। रात लगभग 2 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने मकान पर धावा बोल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। घटना की जानकारी पर SSP आलोक प्रियदर्शी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव अलेपुर की मड़िया का मामला है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने लूट के दौरान गृह स्वामी की पीट कर हत्या कर दी है। सब थाना इस्लामनगर में आज क्या घटना हुई है? आज थाना इस्लामनगर के ग्राम अलेपुर से ममता नाम की महिला के द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात में जब वो अपने पति और दो बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी, घर का दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, एक कमरे का घर है। सोते समय जब उसकी आँख खुली करीब 2 बजे के आसपास, तो उसने देखा कि कुछ बदमाश उसके पति को मार रहे थे, और उस डर की वजह से उसने अपने बक्से में से 40,000 रुपये और कुछ चांदी के जेवर निकाल कर बदमाशों को दे दिए। बदमाशों ने उससे कुछ मांगा नहीं। उसका कहना यह है कि उसने डर की वजह से अपने ही सामान निकाल करके दे दिया, जिसको लेकर बदमाश चले गए। उसके बाद उसने पति को चेक किया तो उसको लगा कि पति सीरियस कंडीशन में है, तो तत्काल उसने शोर मचाया और फिर पति को लेकर जब अस्पताल गए तो वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि बीती रात में ही पति जब वापस लौटा था तो उसका झगड़ा एक व्यक्ति से हुआ था, जिसको उसने ब्याज पे काफ़ी पैसा दे रखा था और उसकी मांग कई दिनों से कर रहा था, जो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया था। उसके पति का ब्याज का काम था और कई लोगों को उसने पहले से भी पैसा दे रखा था। घटना के समस्त पहलुओं की जाँच की जा रही है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा।